डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे बनाना सूट करेगा आपको, कहाँ पे फायदेमंद है, जहाँ पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, दो प्रोडक्ट है तो ज्यादा बेनिफिट है, दो से ज्यादा डिपार्टमेंट आपको, दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो आपको डिपार्टमेंट ज्यादा बनाने पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करनी है वहां पे आपको डिपार्टमेंट ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि प्लास्टिक को यूज करने की टेक्नोलॉजी अलग है, मेटल को क्रिएट करने की, प्रोडक्शन करने की उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, तो जहां पे मेथड अलग चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, वहां पे आपके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट है। जहां पे बिजनेस का साइज रियलिटी में ही बहुत बड़ा है तो वहां पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी कभी हमने बिजनेस में देखा है कि एक बिजनेस के अंडर में काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, तो दा बेस्ट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है कि हम क्या करें, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन के डिपार्टमेंट बना दें, क्योंकि उसके खुद के एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होने वाले हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 2, क्या देखा हमने इसके अंदर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, जिसमें प्रोडक्ट मान लो एक होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेस पे डिवाइड करना, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने मेजर प्रोडक्ट के बेस पर डिवाइड करते हो, मेजर प्रोडक्ट मान लो दो प्रोडक्ट, तो नो दो प्रोडक्ट के बेस पर मैंने डिवीजन बना दी नीचे। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, इससे का पहला का वीडियो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।